दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग का कंप्लीट हाईलाइट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बस आप लोगों को कमेंट कर देना कि आज का मैच का सुपर हीरो कौन है। IPL के 13वें सीजन के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली ने चेन्नई को दूसरी बार शिकस्त दी है। टीम ने 9 में से 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। शिखर धवन 101 रन की पारी खेलते हुए IPL में पहला शतक जड़ दिया है। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट गंवाकर 185 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। दिल्ली के धवन के अलावा मार्क स्टेनिस ने 24 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 रन की पारी खेली। चेन्नई के लिए दीपक चाहर ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए। दिल्ली की शुरुआत बेहद ख़राब रही थी। पृथ्वी शाह लगातार दूसरे मैच में पहले ही ओवर में आउट हो गए। दिल्ली के शुरुआती दोनों झटके तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने दिए। उन्होंने अपनी ही बॉल पर पृथ्वी शाह को कैच लिया। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को सैम करन के हाथों कैच आउट कराया। ओपनर शिखर धवन एक छोर संभाले रहे और उन्होंने टीम को जीत दिलाई। चेन्नई की शुरुआत बेहद ख़राब रही थी। टीम ने 4 विकेट गंवाकर 179 रन बनाए। मैच की दूसरे बॉल पर ओपनर सैम करन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। तुषार देशपांडे ने उन्हें एनरिच नतरजे के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद डुप्लेसिस ने सैन वाटसन ने दूसरे विकेट के लिए 67 और 87 रन की पार्टनरशिप की। वाटसन को नॉर्थजे ने बोल्ड किया। नॉर्थजे ने मैच में अपना दूसरा विकेट लेते हुए महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया। CSK के लिए फाफ डुप्लेसिस ने 47 बॉल पर सबसे ज़्यादा 58 रन की पारी खेली। यह लीग में उनकी 16वीं 50 रही। उनके अलावा अंबाती रायडू 45, वाटसन 36 और रविंद्र जडेजा 33 रन की पारी खेली। वहीं दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिच नटर्जे ने 44 रन देकर 2 विकेट लिए। उनके अलावा कगिसो रवाडा और तुषार देशपांडे को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई का स्कोर 17वें ओवर में 134 रन था। जडेजा और राइडू क्रीज पर थे। दिल्ली के तुषार पांडे के 18वें ओवर में दोनों ने मिलकर 13 रन जड़े। रवाडा के 19वें ओवर में 16 रन आए। नॉर्थजे के 20वें ओवर में जडेजा ने 2 छक्के जड़े। जडेजा और राइडू ने सिर्फ 21 बॉल पर 5वें विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप की और चेन्नई को स्कोर 170 तक पहुंचाया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में जरूर बताइए IPL इस बार कौन जीत रहा है।